पंकज स्टेडियम चांदामेटा में दशहरे पर रावण पुतला दहन के लिए श्री राम लक्ष्मण के पहुंचने के ठीक 2 मिनट पहले ही एक युवक ने प्रतीक स्वरूप बाण में आग लगा दी, जिससे 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता युवक घटना स्थल से फरार हो गया। कुछ ही देर में इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो युवक एक रॉकेट में लाइटर से आग लगा रहा है और वहां मौजूद एक व्यक्ति आग लगाने से रोकने का प्रयास करता दिखाई दिया। मामले को लेकर दशहरा उत्सव समिति के संयोजक विधायक मोहन बाल्मीक ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चांदामेटा TI राजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि वीडियो के आधार पर समीपस्थ नगर बड़कुही निवासी संदिग्ध आरोपी को भी अभिरक्षा में लेकर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के परासिया जिलाध्यक्ष राजेंद्र स्वामी ने धार्मिक आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने की इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चर्चा में ये भी बात आई है कि जो व्यक्ति ने युवक ने आग लगाया है वो कांग्रेस पार्टी की, उसकी माता जी कांग्रेस के कार्यकर्ता है और वहां से बात निकल के आई है। और जिस तरीके से पर्चे बटे हैं, ये पर्चों में स्पष्ट व्यक्तिगत सोहन वाल्मीकि अपने को महिमा मंडित करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। गांव शहर में पूरे पोस्टर लगे कि वो सोहन वाल्मीकि के नाम के लगे। इस बात की हमें आपत्ति, शासन का पैसा है, आप जनप्रति हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और हमारे विभाग के मंत्री की वहां पे व्यवस्था में वहां उनकी भूमिका होना चाहिए, इसकी हमने आपत्ति ली थी। इससे कोई आपत्ति नहीं ली। और जिस तरीके से सोहन वाले आरोप लगा रहे, ये निराधार है। भारतीय जनता पार्टी न कभी ऐसे काम करती है न करेगी। जब रावण दहन की बात आई तो इन्हीं के बीजेपी के लोगों ने रावण दहन श्री रामचंद्र जी के माध्यम से होना था, रथ में बैठ के रामचंद्र जी जा रहे थे और रामचंद्र जी को रथ में हम लोग ले जा रहे थे, उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर जो उनकी योजना थी, उस योजना के तहत में उन्होंने रामचंद्र जी के पहले ही उन्होंने अंगार लगा दी, रावण को रावण दहन कर दिया। जो रामचंद्र जी को काम करना था उन नास्तिक ने, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनने कर दिया। ये हम लोग के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसमें पुलिस प्रशासन से हमने कार्रवाई के लिए मांग करी है। और पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई ढंग से नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, इसके पीछे जो लोग जुड़े हुए उनके ऊपर और जो प्रत्यक्ष रूप से जिसने ये कार्रवाई किया उसके ऊपर यदि नहीं होता है, तो फिर हम पूरी हिंदू समाज को जोड़ते हुए, पूरे हमारा दशहरा उत्सव समिति को जोड़ते हुए ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी मांग करेंगे, कार्रवाई हो, नहीं तो आंदोलन करेंगे।